क्या खूबसूरत नजारा। गाड़ी मत ले भाई, थोड़ा डर रहा है। सामने टाइगर, और अभी ये चढ़ा देखो ऊपर को। हेलो एवरीवन, आई होप कि दोस्तों आप सभी स्वस्थ एंड तंदुरुस्त जरूर होंगे। उम्मीद तो गाइज मेरी यही होगी कि आप रोजाना की तरह स्वस्थ और मस्त होंगे ही होंगे। तो फाइनली गाइज आज मैं आया हूँ अपने गांव के थोड़ी आउटसाइड, जैसा कि सामने की तरफ ये जगह है प्लांट वाली। तो प्लांट के जस्ट इस रास्ते पे हूँ, जिस जगह पे एक बार आपको मैंने दिखाया था फॉरेस्ट वर्कर जा रहे थे इस जगह पे कैमरा ट्रैप लगाने के लिए, क्योंकि इस जगह पे हो रही थी दो टाइगरों की मूवमेंट, जिसमें से एक टाइगर था जिसे कहा जा रहा था कि वो जख्मी है, चोटिल है और लंगड़ा कर वो चल रहा था। तो इस तरफ अंदर जाके ना एक कैमरा ट्रैप लगाया गया था उसे ट्रैक करने के लिए, क्योंकि वो जब लंगड़ा के चल रहा था तो ऐसा महसूस हो रहा था कि वो कभी ना कभी किसी ह्यूमन बींग्स पे अटैक कर सकता है, मतलब खुद को सर्वाइव करने के लिए इस फॉरेस्ट में, मतलब आसान टास्क वो चुन सकता है। तो उसे ट्रैक करने के लिए कैमरा ट्रैप लगाया गया था, और फाइनली हुआ क्या कि वो उस कैमरा ट्रैप में आया तो नहीं, और उसके बाद फिलहाल इस जगह से उसे देखने को भी नहीं मिला है कि हाँ किसी के मुंह जुबानी अगर हम सुन पाए कि हाँ वो लंगड़ा टाइगर अभी इस जगह पे चल रहा है, तो ऐसी कोई चीज़ें सुनने को नहीं मिल रही हैं। और अभी है क्या इस जगह में ना सुंदरखाल विलेज के आउटसाइड या रिवर साइड में दो टाइगर मूवमेंट कर रहे हैं जो कि मेल और फीमेल है। तो वो टाइगर इस जगह पे देखे जा रहे हैं आज से नहीं भी तो दो दिन पहले कुछ लोगों ने रिवर साइड में टाइगर को देखा है, और आज थोड़ी हम भी टाइगर के ऊपर बात करने वाले हैं और देखते हैं कि क्या चीज़ें आज इस कंटेंट के माध्यम से आपको बताई और दिखाई जा सकती हैं। तो थोड़ी अभी है क्या इस जगह टॉप पे अभी हम लोग चढ़ लें, क्योंकि ऑन वे ही हैं हम, सामने की तरफ सड़क है तो सड़क के कुछ ही पास हम हैं। तो थोड़ी चलते हैं इस जगह पे ऊपर और आपको फिर कंटिन्यू करते हैं इस कंटेंट को, टाइगर से रिलेटिव जो भी इंफॉर्मेशन हमें मिलती है वो बताने की कोशिश आपको करते हैं गाइज इस कंटेंट में। तो गाइज अभी हम लोग थोड़ी इस जगह पे चढ़ लें, और ये जगह आती है अपने बफर जोन में ही, और आप इस जगह को कह सकते हैं कि ये एक टूरिस्ट स्पॉट भी है। और जैसा कि आपको पता है जंगल में तीन जोन है, जिसमें से एक जोन बफर जोन आता है और दूसरा जोन आता है अपना कोर एरिया फॉरेस्ट का, और तीसरा जोन आता है अपना वो जगह जिस जगह पे ह्यूमन एक्टिविटी, मतलब जो बाहर से आए हुए टूरिस्ट होते हैं ना वो जंगल सफारी का लुत्फ ले सकते हैं, मतलब उस जगह को बोला जाता है टूरिस्ट जोन। तो अभी बफर जोन में हम लोग हैं और कोशिश करते हैं कि आज इस जगह से ना थोड़ी टाइगर को ट्रैक कर सके और टाइगर की मूवमेंट इस जगह से देख सके कि हाँ किस तरफ टाइगर की एक्टिविटी जो है अभी वो देखने को मिल रही है, क्योंकि ऑन वे ही हैं। जैसा कि मैं आपको स्टार्ट कह ही रहा हूँ कि ये बफर जोन और टूरिस्ट जोन है, तो अभी ये दोनों जोनों का मिक्स पार्ट है। और इस जगह पे थोड़ी है क्या अच्छी खासी हाइट है, और हाइट से ना हमें आगे रिवर साइड का व्यू देखने को मिल जाता है, और इधर से सामने बड़ा पनौत का जो नाला है गाइस वो भी देखने को मिलता है। तो थोड़ी हाइट पे आने का रीज़न ये है कि इस जगह से ना थोड़ी जंगल की तरफ नज़रें जो हैं गाइस वो हम बना सकें और चीज़ों को इस जगह से एक्सप्लोर कर आपको चीज़ें दिखा भी सकें। हम लोगों ने इस जगह ऊपर बफर जोन में जो सड़क के जस्ट लगा हुआ ये हिस्सा है आपको मैं दिखाऊं तो सामने के लोग काफ़ी देर से बैठे हुए थे, और यहाँ से थोड़ी रिवर साइड का जो मूवमेंट है अभी टाइगर का उस तरफ देखने की, और अभी प्लांट के बाहर की तरफ कुछ ये रास्ता बना हुआ है जिसमें कि जो जंगल की झाड़ियाँ थी वो हटा दी गई है। तो अभी थोड़ी चलते हैं इस रास्ते पर, और ये जो जगह है गाइस ये पूरी एकदम बफर जोन है,
और जैसा कि आपको पता है बफर जोन वो जोन होता है गाइस जिस जगह पे होती है ह्यूमन एक्टिविटी। तो इस पे चल रहे हैं हम लोग आगे की तरफ और आगे देखेंगे गाइस अगर इस जगह से कुछ वाइल्ड एनिमल्स के पैरों के निशान अगर देखने को मिलते हैं। तो गाइस अभी थोड़ी ना इस तरफ से स्टार्टिंग में ही हमें देख कर चलना पड़ेगा क्योंकि हमें ना यहीं से एनिमल्स के जो पैरों के निशान है वो देखने को मिल जाएंगे। कुछ पैरों के निशान इस तरफ देखने को मिल रहे हैं बट ये स्पॉटेड डियर के पैरों के निशान है जो इतने क्लियर नहीं है और अभी इस तरफ थोड़ी ना मिट्टी भी है। तो गाइस ये देखिए कुछ ये निशान है जिसे मैं आपको ना सर्कल कर देता हूँ इस लकड़ी से। इस जगह पे इस सर्कल के बीच में गाइस हमें देखने को मिला है टाइगर का एकदम क्लियर प्रिंट पैरों का निशान देख रहे हैं। तो गाइस ये ना थोड़ी ऐसा मेरे को महसूस हो रहा है कि ये लेपर्ड का पैर का निशान भी हो सकता है और टाइगर का। अगर ये टाइगर का पैरों का निशान है तो फिर ये उसके कब बच्चे का हो सकता है। अगर ये लेपर्ड का है तो फिर ये मिच्योर जो लेपर्ड होता है ना अपनी यंग एज का तो ये उसके पैरों का निशान हो सकता है। की तरफ ये देखिए ये सेकेंड पैर का निशान है जिसमें कि इस जगह पे इसका जो पैड है गाइस ये पीछे वाला हिस्सा ये एकदम क्लियर नजर आ रहा है। अगर मैं इसकी टाइमिंग की बात करूं तो ये आज ही का लग रहा है क्योंकि आजकल ना रोज इस जगह पे बारिश हो ही रही है। बारिश होने की वजह से ना जितने भी पैरों के निशान होते हैं एनिमल्स के वो मिट जाते हैं और ये जो पैरों के निशान है ये आज सुबह के मुझे नजर आ रहे हैं क्योंकि इस जगह पे थोड़ी फ्रेश आ रहा है और इस जगह पे थोड़ी धूप की वजह से ना इसका जो पिछला पैड का हिस्सा है वो सूख चुका है। तो अभी टाइगर कहीं इधर से आया है या आया है इधर से लेपर्ड तो सामने इस तरफ को ये गया है और हो सकता है कि इसके कुछ पैरों के निशान आगे भी हमें मिले बट अभी आगे की तरफ ना चलते हुए क्योंकि इस तरफ तो अपना जो हाईवे है गाइस वो देखने को मिल जाता है। तो अभी हम लोग चलते हैं थोड़ी इस तरफ। मॉर्निंग में ना सुबह के 5:30 से 6 बजे के बीच इस जगह से अक्सर देखा जाता है इसे मूव करते हुए। तो ये मॉर्निंग का समय रहा होगा जब ये इस जगह से आगे फॉरेस्ट की तरफ को मूव किया है। तो अभी इस तरफ तो हम फॉरेस्ट की तरफ नहीं जा रहे हम लोग जा रहे हैं थोड़ी इधर बफर जोन की तरफ। तो थोड़ी देखते हैं कि इस तरफ से ये कहां से आया है क्या इसके जो पैरों के निशान हैं हमें आगे भी देखने को मिलते हैं या नहीं उन्हें देखते हैं। और अभी है क्या गाइस अकेले मैं इस जगह पे नहीं घूम रहा हूँ बेसिकली ये बफर जोन है और थोड़ी फॉरेस्ट से लगा हुआ भी है। ह्यूमन एक्टिविटी अभी इस फॉरेस्ट में होगी क्योंकि जो घर की बेसिक नीड के लिए लकड़ियाँ लेकर आते हैं लोग जंगल से चूल्हा जलाने के लिए तो कुछ लोग अंदर जंगल की तरफ भी गए होंगे जो बफर जोन है अपना जिस जगह पे हम लोग जा सकते हैं। तो अभी वो लोग भी होंगे और मैं भी इस जगह पे अकेले नहीं हूँ। तो ऐसा नहीं है कि मैं थोड़ी इस तरफ बफर जोन में अकेले जो चल रहा हूँ ऐसा। तो गाइज़ ये देखिए इस तरफ हमें जो आगे चलकर देखने को मिल रहे हैं ना इस जगह पे हमें कुछ तो पैर दिखाई दे रहे हैं स्पॉटेड डियर के। ये जो छोटे वाले पैरों के निशान हैं ये हैं स्पॉटेड डियर के। इसी में आप ये दूसरा साइज चेक करें ये है अपना सांवर डियर का है क्या आपने देखा होगा। सांवर डियर और स्पॉटेड डियर के ना जो बॉडी में डिफरेंस है गाइस वो काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि जो स्पॉटेड डियर एक छोटे साइज का होता है और जो सांवर डियर है वो आप कह सकते हैं जैसे एक पालतू गाय है उसके साइज का भी सांवर डियर देखने को मिल जाता है। तो बड़ा साइज होने की वजह से ना उसके पैरों के निशान भी थोड़ी बड़े आते हैं स्पॉटेड डियर के डियर से मतलब ये स्पॉटेड डियर का ये सांवर डियर का। तो इस जगह पे काफ़ी सारे हमें इस तरह से जो पैरों के निशान हैं वो अभी देखने को मिल रहे हैं बट अभी है क्या जो हमें स्टार्टिंग में अंदर बफर जोन की तरफ आते हुए हमें जो लेपर्ड के पैरों के निशान मिले थोड़ी अभी मोटिव है कि उन्हें हम इस जगह से चेक कर सकें कि हाँ वो किस तरफ से आ रहा है और कौन से रास्ते को मतलब वो रख रहा है अपनी प्रायोरिटी पे कि हाँ मुझे इस रास्ते से जाना है और इस रास्ते पे अक्सर चलना है मतलब वो एक अपना जो रास्ता तय कर रहा है वो देखना चाह रहा हूँ कि इस जगह से वो देखने को मिलता है या नहीं। तो गाइज ये देखिए इस जगह पे ना बहकर आया है क्योंकि इस तरफ आप देख रहे होंगे आगे की तरफ आपको जो पानी का बहाव इस जगह पे हल्का फुल्का जो मिट्टी को लेकर गया है वो नज़र आ रहा होगा। तो उसी बहाव में ये एक आया है इसे बोलते हैं गंजाड़ू पहाड़ों में तो इसे गंजाड़ू ही बोला जाता है एक पेड़ की जड़ के नीचे ये मिलता है और ये इसका यूज़ होता क्या है वो मुझे पता नहीं है। तो कुछ इस तरह की चीज़ें इस जगह पे देखने को मिल रही हैं जो कि अक्सर पहाड़ों में देखने को मिलती हैं।
कर रहे हो अभी? मेरे को वहाँ तक जाने देना। लोग आगे की तरफ जा रहे हैं और पहले आगे जाने से पहले ना इस जगह पे निगाहें बनाना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जंगल भी है गाइस सामने और बफर जोन है बेसिकली ये, मगर जब जंगल है तो थोड़ी बहुत है क्या कि इस तरफ अभी एनिमल्स का चांस भी हो सकता है कि हमें देखने को मिल जाए आगे। बट अभी है क्या, शाम के बज रहे हैं 4 और 4 बजे थोड़ी इतनी वाइल्ड लाइफ की मूवमेंट इस जगह से नहीं होती है, बट फिर भी है क्या कि हमें खुद को सेफली इस जगह से लेकर जाना होगा। और इस जगह पर ये देखिए, देखें तो ये देखिए गाइस इस जगह पे कितने सारे जो एनिमल्स के पैरों के निशान हैं, जिसमें कि मोस्टली पैर हैं वो हैं स्पॉटेड डियर के। और इसी बीच में हो सकता है कि कहीं हमें टाइगर या लेपर्ड के जो पैरों के निशान है गाइस वो भी देखने को मिल जाते, बट अभी मुझे नहीं लग रहा है कि इस जगह से मिल पाएंगे। रीजन आप चेक कर सकते हैं कितने ज़्यादा इस जगह पे जो स्पॉटेड डियर है वो चले हुए हैं। तो इस बीच में अगर टाइगर चला है तो फिर उसके बाद अगर स्पॉटेड डियर इस जगह पे आया है तो फिर उस पैर का दिख पाना थोड़ी कठिन हो जाता है। तो चलो इस जगह से वो चीज़ दिखने वाली तो नहीं है, थोड़ी आगे चलते हैं। चल तो रहे हैं मगर फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि इस जगह से हमें उसके जो पैरों के निशान हैं लेपर्ड या टाइगर के वो देखने को मिल जाए। पागल हो गया क्या हुआ ना? ये देखिए गाइस, ये देखिए गाइस आगे जैसे ही हम बढ़ रहे हैं ना इस तरफ हमें कुछ ड्रॉपिंग मिली है। ये ड्रॉपिंग एक सामने इस तरफ इधर, ये ड्रॉपिंग है अपने स्पॉटेड डियर की। और जो सांवर डियर की ड्रॉपिंग होती है ना गाइस वो होती है थोड़ी जैसे बकरी की ड्रॉपिंग होती है ना गुड की, सेम उसी तरह की ड्रॉपिंग होती है सांवर डियर की। और जो स्पॉटेड डियर की है वो भी उसी तरह होती है, बट ये थोड़ी छोटी होती है उससे, क्योंकि ये भी एक गोली नुमा जो आकार लेती है गाइस वो आपको दिख रहा होगा। तो ये देखिए गाइस, मैं कह रहा हूँ ना गोली नुमा, तो ये देखिए मैं इसे ना लकड़ी से थोड़ी अलग कर रहा हूँ। ये है गाइस, जंगल की चीज़ें जंगल में ही यूज में आ जाती हैं, वो कुछ इस तरह से जैसे जंगली जानवरों ने जंगल की घास खाई, घास खाने के बाद अपनी जो ड्रॉपिंग जंगल में ही ड्रॉप की, तो ये ना एक ऑर्गेनिक जो चीज़ें होती हैं जैसे ऑर्गेनिक लोग सब्जियां ढूंढते हैं, तो यही कुछ ऑर्गेनिक खाद है इस जंगल के लिए, इन पेड़ पौधों के लिए, जो कि इनकी जो ग्रोथ है ना गाइज उसमें इसका काफ़ी अहम रोल होता है। तो गाइज अभी ना काफ़ी ज़्यादा हम लोगों ने ट्रैक कर लिया है मेन सड़क से, और अभी आप देख ही रहे होंगे कंटिन्यूसली हम जिस रास्ते पे चल रहे हैं ना इस जगह पे एनिमल्स के जो पैरों के निशान है, सिर्फ इसमें जितने भी शाकाहारी एनिमल्स हैं ना उनके पैरों के निशान नज़र आ रहे हैं। स्टार्टिंग में जैसे ही हमने सड़क क्रॉस करके बफर एरिया में मतलब कदम रखा ही था तो हमें स्टार्टिंग में ही ना लेपर्ड के पैरों के निशान देखने को मिल गए थे। और अभी है क्या, कोशिश तो हमारी जारी है कि हमें इस जगह से भी लेपर्ड या टाइगर के जो पैरों के निशान हैं वो देखने को मिल जाए, बट हो क्या रहा है कि इस जगह पे जो स्पॉटेड और सावर डियर के पैरों के निशान है ना उन पैरों के निशान के बीच में उनके पैरों के निशान थोड़ी देख पाने में कठिनाई हो रही है, बट फिर भी प्रयास जरूर है हमारा। और अभी तो मेरे को ऐसा भी महसूस हो रहा है कि ना जो हमने स्टार्टिंग में जो पैरों के निशान देखे थे लेपर्ड के वो कुछ इस तरह की मतलब झाड़ी उस जगह पे नज़र आ रही थी, तो हो सकता है कि वो उस तरफ झाड़ी से निकल कर आया हो और ठीक सामने प्लांट के बाहरी क्षेत्र से होते हुए जो जिम कॉर्बेट का मेन फॉरेस्ट है कोर एरिया, तो उस तरफ वो आई थिंक चला गया है। और हम चले हैं थोड़ी इस जगह पे कि हाँ हमें इस जगह से अगर उसकी आने जाने की मतलब कुछ भी निशानी देखने को मिलती है तो वो देखने का प्रयास कर रहे हैं। बाकी आप देख ही पा रहे होंगे किस तरह की जगह पे अभी हम लोग हैं, और सामने की तरफ आपको एक खंभा नज़र आ रहा होगा, वो इलेक्ट्रिसिटी के लिए लगा हुआ खंभा है। मतलब ये जो जगह है गाइस ये अपने गाँव की ही है, कभी इस तरफ अपना खेत हुआ करता था, सो अभी थोड़ी जंगल ने इस जगह पे कुछ ज़्यादा ही आतंक मचाया हुआ है, जैसे कि जंगली जानवरों का पूरा सहारा मिल रहा है इस जंगल को आगे बढ़ने में, तो उस वजह से ना थोड़ी इस जगह पे आ पाना भी नहीं हो पाता है हमारा। क्या पता शेर लग रहा है तुम लोग भी देख लो। तो चलो गाइस हम लोग चल रहे हैं थोड़ी इस तरफ, और यहाँ से थोड़ी हमें आगे मिल जाएगा अपना गाँव, और गाँव के आउटसाइड थोड़ी चलने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आपको पता है एक मेरी बेस्ट लोकेशन जिसे मैं मानता हूँ, यहाँ पे मेरे को सबसे ज़्यादा जो साइटिंग होती है वाइल्ड लाइफ की वो देखने को मिलती है, और रात के समय
होता क्या है कि उस तरफ ना काफ़ी ज़्यादा वाइल्ड लाइफ होती है, जैसे कि आपको देखा है आप लोगों ने ना हमारे क्रिकेट ग्राउंड में काफ़ी ज़्यादा अंधेरा होने के बाद वाइल्ड लाइफ क्रिकेट ग्राउंड में पूरी रात भर बनी रहती है। तो सेम गांव के आउटसाइड भी वो चीज़ें देखने को मिलती हैं, और वो आउटसाइड कनेक्ट करता है अपने पनोज के बड़े नाले को। तो वो उसका रास्ता है टाइगर का आने जाने का, और ये रास्ता बना हुआ था गांव वालों का, जो कि अपने निजी काम के लिए इस रास्ते का यूज़ किया जाता था। बट अभी बरसात में ना होता क्या है, जंगली झाड़ियाँ काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो जाती हैं। तो अभी आपको लग जरूर रहा होगा कि हम थोड़ी जंगल से निकल कर जा रहे हैं और आगे हमें खेत देखने को मिल जाएगा। ये देखो गाइस, आपको दिखाऊं मैं इस जगह पे कुछ, ये देखिए हल्का सा खुदा हुआ है, बट ये इतना क्लियर नहीं, इधर भी क्लियर नहीं, इसे मैं क्लियर नहीं मानता हूँ, बट इसे मानता हूँ गाइस क्लियर। ये देखिए कितनी सारी जगह पे ये खोदा हुआ है वाइल्ड बोर्ड ने, जो कि जंगली सुअर होता है गाइस, क्योंकि इस जगह पे ना जंगली सुअर भी काफ़ी ज़्यादा हैं। तो गाइस ये ना ये सारी जगह ये जंगली सुअर द्वारा खोदी गई जगह है, और जैसा कि एक डिफेंस होता है आपने देखा होगा, कुछ लोग सुअरों को पालते भी हैं, वो पालतू सुअर कहलाए जाते हैं, बट ये जो जगह खोदी हुई है ये जंगली सुअर ने खोदी है, क्योंकि इन दोनों के बीच में एक डिफरेंस है। जंगली सुअर को ना खुद को मतलब सर्वाइव करने के लिए जंगल में इस तरह से खोद करके जो कीड़े मकोड़े जो उसे मिलते हैं, कैंचुए, तो कुछ इस तरह की चीज़ें ढूंढने के लिए भी वो खोदता है, और जो जंगल में होती हैं कुछ कंदमूल फलें, तो उन कंदमूल फलों को खाने के लिए भी वो खोदता है। और जो एक पालतू सुअर होता है वो तो फिर आपने देखा होगा कई जगह पे यूं ही नालियों में आपको दिखते हुए नज़र आता है गंदगी खाते हुए, तो कुछ इस तरह की चीज़ें थोड़ी जो जंगली सुअर है ना वो नहीं करता है, वो सिर्फ जो जंगल की चीज़ें हैं उन्हें खाने का प्रयास करता है, जिसमें कंदमूल फल सबसे ज़्यादा वो खाता है, और इसीलिए वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होता है, और जब वो स्ट्रांग होता है ना तभी फिर वो टाइगर से लड़ भी पाता है। बट है क्या, टाइगर भी उसका मुकाबला जब ही कर पाता है जब उसे कुछ दिनों तक ना वो खाना नहीं लेने देता है। अगर सुअर जब खाना ले ले और फिर टाइगर उसे मारने की कोशिश करे तो फिर वो पॉसिबल है नहीं, तो इसलिए टाइगर भी सोचता है कि इसे खाना ना खाने दूँ मैं और फिर कहीं जाकर उसे मारूँ। तो इतना अच्छा मतलब विटामिन जो फुल एनर्जी भरी चीज़ें होती है सुअर के लिए जंगल से वो उसे मिलती हैं जो ज़मीन के अंदर होती है, तो जब ही जाकर वो खोद करके चीज़ों को ढूंढ कर अपने को आगे जंगल में सर्वाइव करने के लिए तैयार रखता है। तो गाइस अभी है क्या ना, हम लोग टाइगर और लेपर्ड की खोज में आप देख रहे हैं गांव में आ चुके हैं। काफ़ी दूर से हमने ये ट्रैक स्टार्ट किया था, और ट्रैक पे चलते हुए काफ़ी देर तक हमने चीज़ों को सर्च करने की कोशिश की है, बट आप भी हमें ना सामने सर्च करते करते इस जगह पे आपको पता है अमरूद के पेड़ हैं, तो थोड़ी चलते हैं एक एक अमरूद लेते हैं और फिर चीज़ों को करते हैं कंटिन्यू। और देखो अभी अमरूद भी मिलता है या नहीं, क्योंकि पेड़ तो नज़र आ रहे हैं और अमरूद मिलता है तो अच्छा ही है, तो देखते हैं अभी क्या चीज़ें होती हैं हमारे साथ। अच्छे हैं, दिखने में लाल हो रहे हैं। तो गाइस अभी एक अमरूद तोड़ा, बट ये अभी ना पका नहीं है, काफ़ी हार्ड है, तो इसलिए अभी थोड़ी अमरूद को भी अवॉइड कर रहे हैं, क्योंकि ये पका नहीं है, तोड़ के कोई बेनिफिट है नहीं। तो चलो चलते हैं थोड़ी गांव के आउटसाइड, और उस जगह से आप अपनी चीज़ों को कंटिन्यू करते हैं। जैसा कि अभी चल रहे हैं हम लोग, टाइगर और लेपर्ड के पगमार्क नोटिस करने इस जगह पर, क्या इस तरफ से मूवमेंट जो है वो है या नहीं। और ये आ चुका है कुछ पानी, और इस पानी में ये देखिए गाइस इस जगह पे एक मछली भी है ये, और ये मर गई है सेट। तो फाइनली अभी इस तरफ भी ना पूरा सुनसान हो रहा है, और जैसा कि मैं कहता हूँ ना आपको, सुबह और शाम के समय इस जगह से वाइल्ड एनिमल्स की साइटिंग होती है, बट अभी जैसा कि शाम के 5 बजने को हैं और 4 बजे थोड़ी हमने इस कंटेंट को शुरू किया था, और अभी ट्रैक पे चलते चलते 1 घंटा तो हमें हो ही गया है, और फिर भी कोशिश कर रहे हैं कि हम इस जगह से अगर टाइगर ना सही उसके पैरों के निशान तो देखने को मिल जाएं।
बट जगह जगह पे जो देखने को मिल रहे हैं वो तो मोस्टली इस जगह पे हैं। आपने ये कुछ पैरों के निशान हैं गाइस इस जगह पर, बट ये काफ़ी छोटे पैरों के निशान नज़र आ रहे हैं। सो ये हो सकता है कि कुत्ते के जो पैरों के निशान हैं ना वो भी हो सकते हैं, क्योंकि इस तरफ सामने के घरों के पास से या फिर जो कुछ कुत्ते हैं वो घूमने के लिए आ जाते हैं, क्योंकि इस जगह पर ना काफ़ी सारे, ये देखिए देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा निशान हैं। ये तो मेरे को डॉग्स के पैरों के निशान नज़र आ रहे हैं। तो फाइनली गाइस अभी काफ़ी देर से हम लोग इस जगह पे ट्रैकिंग भी कर रहे थे, चीज़ों को ढूंढने का भी प्रयास कर रहे थे, बट है क्या, हमें स्टार्टिंग में ही जो टाइगर के हमें लगा कि हाँ, तो स्टार्टिंग में ही गाइस हमें ऐसा लगा कि हमें टाइगर के पैरों के निशान देखने को मिले, बट वो जो निशान थे वो थे लेपर्ड के, और अभी आगे आकर हमें लेपर्ड के और ना ही टाइगर के किसी के भी पैरों के निशान देखने को नहीं मिले, क्योंकि इस जगह पर जो निशान देखने को मिल रहे हैं वो मोस्टली हैं इस जगह पर स्पॉटेड डियर और सावर डियर के, और जिनके बीच थोड़ी उसके जो पैरों के निशान हैं वो मिट रहे हैं। तो इसीलिए अभी इस जगह से अभी काफ़ी देर से घूम ही रहे थे और चीज़ों को एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे थे, तो अभी सोच रहा हूँ कि क्यों ना गाइस इस कंटेंट को समाप्त किया जाए, क्योंकि ये कंटेंट हो चुका है काफ़ी ज़्यादा लंबा। तो करते हैं इस कंटेंट को यहीं पर समाप्त और मिलते हैं आपको फिर से एक नेक्स्ट कंटेंट में। उम्मीद है कि आपको आज की ये ट्रैकिंग ज़रूर अच्छी लगी होगी, और चीज़ें जैसी भी रही आप कमेंट में ज़रूर मेंशन कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपको फिर से एक नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर गाइस।